जय श्री कृष्ण दोस्तों, एपिसोड 2 शुरू करने से पहले मैं परम भगवान कृष्ण को नमन करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे मुझे शक्ति दें और मुझे सही शब्द प्रदान करें ताकि मैं अपने सभी प्यारे श्रोताओं तक श्री कृष्ण का संदेश पहुँचा सकूँ। आरंभ करने के लिए आइए हम समग्र रूप से हिंदू शास्त्रों में गीता के स्थान को समझें। हिंदू धर्म में वेदों को प्रधान रूप से सर्वोच्च अधिकार के रूप में देखा जाता है और वेदों को ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में विभाजित किया गया है। वेदों को प्रमुख रूप से 2 सामान्य वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक है कर्मकांड, जो यज्ञ के रूप में ज्ञात वैदिक अनुष्ठान के आसपास केंद्रित भजनों और निर्देशों से बना है। वेदों का यह वह हिस्सा है जहां प्रकृति के विभिन्न देवी देवताओं जैसे इंद्र, अग्नि, वायु और भी बहुत सारे देवी और देवताओं की विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पूजा की जाती है। वेदों का दूसरा खंड है ज्ञान कांड। यह प्रमुख रूप से उपनिषदों के रूप में जाने जाने वाले ग्रंथों पर आधारित है और यहाँ हम आत्मा और ब्रह्म मतलब सर्वोच्च वास्तविकता के बीच आध्यात्मिक संबंधों को रेखांकित करने वाली विभिन्न शिक्षाओं और सत्य को पाते हैं। वेदों को ऋषि व्यास द्वारा विभाजित किया गया था, जिन्होंने महाभारत नामक महान कृति की रचना भी की थी, जो लगभग 5000 साल पहले कई ऐतिहासिक घटनाओं का एक अलंकृत व्याख्यान है। महाभारत में 1,00,000 से अधिक श्लोकों का वर्णन है। महाभारत चचेरे भाइयों के 2 समूहों के बीच संघर्ष का वर्णन करता है। एक तरफ हैं 5 भाई जो कि धर्म की राह पर हैं, जो हैं पांडव, जिनमें से एक अर्जुन है, और दूसरी तरफ है अभिमानी धोखेबाज कौरव, जो कि दुर्योधन की अध्यक्षता में है। महाभारत का चरमोत्कर्ष कुरुक्षेत्र युद्ध के मैदान पर रखा गया है, जहां विश्व के सभी राजा शुरू करने के लिए तैयार हैं दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा युद्ध। भगवद गीता यहां से कथा को उठाती है। गीता में 18 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय का अपना एक अलग संदेश है। हालांकि इन 18 अध्यायों को 3 भागों में विभाजित करके सरलता से और अच्छे से समझा जा सकता है। पहला 1/3 हिस्सा, जो अध्याय 1 से अध्याय 6 तक है, जिसमें मुख्य रूप से कर्म योग मतलब स्वयं का ज्ञान की विस्तृत व्याख्या पर केंद्रित है और यह कैसे हमारे आवश्यक स्वभाव में ज्ञान ला सकता है। दूसरा 1/3 हिस्सा, जो अध्याय 7 से अध्याय 12 तक बांटा जा सकता है, यहाँ से एक नाटकीय बदलाव आता है, जहाँ कृष्ण सर्वोच्च स्वामी के रूप में अपनी वास्तविकता रूप की व्याख्या करते हैं। वह अर्जुन को अपना परम अलौकिक रूप दिखाने से पहले भक्ति की सुंदरता को प्रकट करते हैं। अंतिम 1/3 हिस्सा अध्याय 13 से अध्याय 18 तक है, जिसमें सांख्य के दर्शन सृजन की नियंत्रित करने वाले 3 गुणों सत्वगुण, रजस गुण और तमस गुण को समझाते हैं और आत्मा और सर्वोच्च परमात्मा के बीच संबंध जैसे विभिन्न विषयों पर एक आधारभूत प्रवचन है। आज के एपिसोड में हमने चर्चा करी कि किस आधार पर भगवद गीता की स्थापना की गई है और हमें पता चला है कि हम भगवद गीता के 18 अध्यायों को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं और उसी के अनुसार समझ सकते हैं। अपने अगले एपिसोड में हम पहले 1/3 भाग अर्थात अध्याय 1 से अध्याय 6 तक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और पवित्र नाम का स्मरण करते रहें। हरे कृष्णा।